हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज की जो रेसिपी है वो है मैंगो शेक की रेसिपी। और मैंगोज़ का सीज़न जो है वो आ चुका है और अभी मार्केट में जो है वो हर तरह के मैंगोज़ मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज हम बनाएंगे मैंगो शेक और ये बहुत ही ज़्यादा इजी सी रेसिपी है। 2-3 मिनट में आपका टाइम लूँगी। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमें ले लेना है मैंगोज़। ये मैंने बादाम वैरायटी का जो मैंगो आता है वो लिया है और इसी से बहुत अच्छा सा शेक बनता है, क्योंकि ये छीलने में बहुत इजी होता है, इजीली ये छिल जाता है। तो आप जो है वो किसी भी आम से शेक बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो इसी आम का शेक बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी हमने एक आम को पील कर लिया है और एक छोटा सा आम हम और पील करेंगे, क्योंकि जस्ट मैं आपको डेमो दे रही हूँ, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी पहले से बना के अपने फ्रिज में रख लिया है। तो इसको छीलने के बाद हमने इसके रफली कट्स कर लेना है, ठीक है, क्योंकि एट द एंड हमें इसकी प्यूरी बनाना है। ठीक है, तो ये हमने इन दोनों आमों को अच्छे से छील कर निकाल लिया है। आप चाहें तो ये दूसरी टेक्निक है, आप इस टेक्निक से भी जो पल्प है उसको निकाल सकते हैं। तो इसको आपको छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना छीले आप इसमें इस तरह से स्क्वायर कट्स लगा लें और इसका पल्प जो है वो स्पून से इसको निकाल लें। ये ईजिली निकल जाता है, लेकिन ये सिर्फ आम के दोनों साइड्स के जो छिलका होता है उधर से हम निकाल सकते हैं, बाकी जो गुठली से लगा होता है वो हमें नाइफ से ही निकालना होगा। तो जैसे भी आप चाहें वो इसका पल्प बस निकाल लें और इसको आप छिलके को फेंक दें। अब एक ब्लेंडर लें और इसमें आप सारा पल्प जो है वो डाल लें और इसमें हम कुछ चीज़ें मिलाएँगे। अब इसी के अंदर बाकी की चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें शुगर ऐड करेंगे, तो शुगर को जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और इसमें आम पर भी डिपेंड होता है आपका मैंगो कितना स्वीट है, तो स्वीटनेस के हिसाब से आप जो है शुगर एडजस्ट कर लें। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 ग्लास जो है वो मिल्क ऐड किया है और 2 टेबल स्पून हमने इसमें मिल्क पाउडर लिया है। ठीक है, सारी चीज़ें हमने 2-2 के रेशो से ली हैं, क्योंकि हमने 2 मैंगोज़ यूज़ किए हैं और 2 ही हमने इसमें हरी इलायची डाली है। आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी इलायची को डाल सकते हैं, और इसको हमने एक बार घुमा लेना है, अच्छे से इसकी प्यूरी बना लेना है, ताकि इसमें कोई सी भी चीज़ जो है चंक्स वगैरह ना रहें। तो ये देखिए जी, हमारी मैंगो का पल्प जो है वो प्यूरी में चेंज हो गया है। अब थोड़े से हम इसमें आइस क्यूब्स डालेंगे, और आइस क्यूब्स डालने के बाद एक रफली इसको एक बार घुमा देंगे, ताकि ये जो है बिल्कुल बारीक ना हो, और इस तरह से ये जो आइस क्यूब्स हमने डाले थे वो थोड़े से क्रश हो जाए। ये पल्प हमने निकाल लिया है, और एक तरफ हमने रखे थे थोड़े से मैंगोज़ के पल्प चंक्स में कट करके रखे थे, तो वो हमने ऊपर से डाल देना है। तो जब आप इसको खाएंगे तो इसमें जो है मुंह में बाइट्स आएंगे मैंगोज़ के, तो वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। चले हम इसको सर्व करते टाइम थोड़े से मैंगोज़ के पीसेज आप इसके ऊपर से डाल दें, और थोड़ी सी पिस्ता या फिर आमंड्स, जो भी आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं, वो थोड़े से कतरन करके आप इसके ऊपर डाल दें। और ये हमारा मैंगो शेक बिल्कुल यमी सा रेडी हो चुका है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, और मैंगो शेक जो है वो बच्चों को ख़ास तौर से बहुत पसंद होता है। आप ज़रूर बनाइएगा। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।